बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और ज़िंदगी की बहारों को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लाया हूँ वो पाकिस्तान पिनल कोड 1860 का चैप्टर नंबर 19 है। अब ये चैप्टर नंबर 19 जो है ये डील करता है द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सर्विस, यानी कि खिदमत के जो मुआहदे होते हैं उनकी मुजरमाना खिलाफवर्जी करना। तो दोस्तों, टॉपिक पर आने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता चलूँ, ये जो मेरा चैनल है प्लेटफॉर जस्टिस काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरे हौसला अफजाई होती है और साथ में जब बेल आइकन उभरे आप उसको भी आप प्रेस कर दें, इससे मेरे हर नई आने वाली वीडियो आपको इन टाइम और बातातल मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आते हैं आप टॉपिक के ऊपर। अब इसकी जो रेलिवेंट सेक्शन है ये 491 है, इसके अंदर एक ही सेक्शन है इस चैप्टर के अंदर और वो है 491। अब इसके अंदर ये है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू अटेंड एंड ऑन सप्लाई वांट्स ऑफ हेल्पलेस पर्सन। अब इसके अंदर ये है कि मुआशरे के अंदर जहाँ अच्छे भले लोग होते हैं, जिन जो जिस्मानी तौर पर तवाना होते हैं, जो ज़हनी तौर पर तवाना होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, होशियार लोग होते हैं, इसी तरह अल्लाह जल्ल शानों ने ऐसे लोगों को भी पैदा फरमाया कि जो माजूर होते हैं, जो जिस्मानी तौर पर माजूर होते हैं, ज़हनी तौर पर माजूर होते हैं, या अभी वो बहुत ही माइनर होते हैं, जो अपने अच्छे बुरे को समझ नहीं सकते और जो चलने फिरने से कासर होते हैं, जिनके खाने पीने का मसला होता है, जिनके रफ हाजत का मसला होता है, उनके कपड़े पहनने का मसला होता है, कपड़े उतारने का मसला होता है, उनके दीगर बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं कि जिनको वो खुद वो उनको परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इस तरह तो ऐसे लोग जो होते हैं उनके जो वारिसान होते हैं या उनकी तरफ से, या बाज़ औक़ात वो एक्सट्रीम एज के अंदर होते हैं, या ख़ुद कोई किसी ऐसे बंदे के साथ वो मुआहदा कर लें, या किसी बंदे को वो नौकर रखते हैं, या किसी बंदे को वो अपना सेक्रेटरी मुकर्रर करते हैं, या किसी बंदे को मुलाजम रखते हैं और एक उसके साथ मुआहदा करते हैं। और मुआहदा उसका ये होता है जी कि भाई आपने इतने अरसे तक हमारी खिदमत करनी है, या हमारे इस माजूर बंदे की खिदमत करनी है, इसको खाना खिलाना है, इसको पानी पिलाना है, आपने इसको रफ़ा हाजत करवानी है, आपने इसको रेड़ी के ऊपर बैठा कर शहर का चक्कर लगवाना है, आपने इसका इसको गुसल करवाना है, नहलाना है, अगर कोई मेंटल बंदा है तो इसके साथ रहना है, इसको कोई तकलीफ़ ना पहुँचाए, या इसको कोई तकलीफ़ पहुँचे ना, या कहीं ऐसा काम ना करे, या कहीं सड़क पे ना आ जाए, कहीं बिजली के खंभे के ऊपर ना चढ़ जाए, या किस तरह का काम जिस बंदे को उस बंदे की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी होता है, या बंदे को बचाना ज़रूरी होता है, या अगर बहुत माइनर बच्चे हैं उनकी खुराक का मसला है, उनके एजुकेशन का मसला है, या बहुत ही छोटे बच्चे हैं उनको स्कूल आने ले जाने का मसला है, बहुत सी ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में जो लोग जो हैं ये उनके साथ जो मुआहदा करते हैं, ये तंदरुस्त लोगों के साथ मुआहदा कर लेते हैं कि भाई आपने हमारे इस जो इनोसेंट बंदा है, या अनसाउंड माइंड है, या माइनर है, या हेल्पलेस है, या एक्सट्रीम एज है, और ये बंदा अपनी वो नहीं कर सकता, अपनी ज़िंदगी को खुद वो प्रॉपरली डील नहीं कर सकता, अपनी ज़िंदगी गुजार नहीं सकता, अपने पाँव के ऊपर चल नहीं सकता, अपने हाथों से पकड़ नहीं सकता, खा नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, लेट नहीं सकता, और वो इन मजबूरियों के अंदर वो मुब्तला है। अब उस बंदे को जब उसने उसका कोई मुआहदा होता है किसी तंदरुस्त बंदे के साथ, और तंदरुस्त बंदा अगर उसको रेमोरेशन उसकी मुकर्रर है, तनख्वाह मुकर्रर है, सैलरी मुकर्रर है, जो उनका मुआहदे के तहत कोई उसको वो मुकर्रर है, और वो बंदा जो है वो अपने ड्यूटी के अंदर कोताही करता है, अपने वो टाल मटोल से काम लेता है, वो एंड टाइम काम नहीं करता, वो टाइम पे बच्चों को रोटी नहीं देता, या अनसाउंड माइंड बंदे की केयर नहीं करता, या उसको घर से बाहर लेके जाता है, उधर से छोड़ देता है, फिर वो शाम को जी उसको पकड़ कर ले आता है, दिन को वो फिरता फिरता घूमता फिरता रहता है, और उस बंदे को उसकी केयर नहीं करता, उसकी लुक आफ्टर नहीं करता, अपने काम के अंदर वो नहीं है, हॉनेस्ट नहीं है, अपने काम के अंदर वो डिसऑनेस्टी करता है, वो जिस तरह वो मुआहदा होता है मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता है, और वो जिस तरह उसको खिदमात अंजाम देने का हक है उस तरह वो खिदमात अंजाम नहीं देता, और उसके ख़िलाफ़ अगर पुलिस के अंदर कोई बंदा कंप्लेन करता है ऐसे बंदे के ख़िलाफ़, तो उसके अगर वो पकड़ा जाता है उसके ख़िलाफ़ केस साबित हो जाता है, प्रोसिक्यूशन साबित कर देती है, तो फिर उस बंदे को 3 माह के लिए एम्प्रिजनमेंट अवार्ड हो सकती है, साथ जुर्माना भी किया जा सकता है उस, या दोनों सज़ाएँ उसको दी जा सकती हैं। तो दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा, अगर आपको क्लियर हो गया तो दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे मेरी नई वीडियो के आने तक अब इजाज़त दें। अगर कोई कमेंट्स आप करना चाहते हैं तो आप यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू, विश यू गुड लक।